ये बल्लागुड़े का जो होमगार्ड है, मर्दी को देख के इसके पैसे दिए चले ना, आवाम के इन्हें कितने पैसे लूट रहा, क्या है क्या नहीं है, हम भरोसा करें इसके ऊपर? भरोसा करें तो इन्हें क्या करा, वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इन्हें पब्लिक से, हमारे से पैसा लूट लिया चले। और रही बात, इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लीजिए आप लोग। अदबन गुजारिश है मेरे से, अपने असद साहब से, अकबर साहब से और सीपी अपने होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है मेरी, बस जल्द से जल्द इसको एक्शन लीजिए इसके ऊपर। भाई ये जो है सो इन्हें वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इन्हें जो लोगों को जो ढक रहा है इन्हें, और मेरे से पैसे ले लिया, पूरे पैसे ले ले कर लेके जो बल्लागुड़ा पीएस का जो है इन्हें होमगार्ड चले ना, सीपी साहब से मेरी और कमिश्नर साहब से मेरी यही गुजारिश है, ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। मेरे बच्चों का फ्यूचर था, मेरे पैसे रिकवर करा दीजिए, मेहरबानी होती है आप लोगों को, समझे आप। और रही बात, रमज़ान का महीना है और इसका जो भी है मुश्किल, जो भी परेशानी है, जी मेरा नाम अजीम पाशा है, मैं 2023 अगस्त में एक प्लाट लिया था 200 गज, ठीक है। प्लाट लेने के बाद ये लोग मेरे से पूरा अमाउंट ले लिए, 12,50,000 रुपये। और रही बात, 200 गज प्लाट दिलाए थे मेरे को, ये इफ्तिखार और मोहसिन दोनों मिलके मेरे साथ चीटिंग करे, चीटिंग करके पैसे ले लिए, पैसे ले लेके पैसे नहीं दे रहे मेरे को। ये बल्लागुड़ा लिक्वी हिल्स, बल्लागुड़ा ये इफ्तिखार है, सो होमगार्ड है, ये होमगार्ड है इफ्तिखार, बल्लागुड़ा पीएस का होमगार्ड है, इन्हें है ये। ये इन्हें है इफ्तिखार, अब पैसे दिए बोले तो जो करना है कर लो, कंप्लेंट कर लो, क्या करना है कर लो। बल्लागुड़ा पीएस और अपने शालीबंडा पीएस मेरे अंडर में, मैं जो भी है मैं चले ना, क्या करना है कर लो बोल के धमकियाँ दिया हमारे को चले ना, पैसे पैसे देने के कोई नामो निशान नहीं है, अब तक एक महीने के ऊपर हो गया पैसे ले लेके, समझे। फिर रहे हम लोग वहाँ, फिरने के बाद कोई भी एक्शन नहीं लिए, सीधा हम सीपी साहब के पास गए, सीपी साहब के पास जाने के बाद लेटर लिख के दिए उन्होंने, जल्दी एक्शन लियो बोल के, एक्शन ले लिए। और रही बात, शालीमंडा बेस में भी हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, FIR बुक हो गई इनके ऊपर। FIR देखिए आप, ये FIR है देखिए आप, किसके नाम पे है ये? इफ्तिखार, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के नाम पे है। जी हो, ठीक है। अब ये रही मुनिसा के नाम पे जमीन बता के हमारे को पेपर, डुप्लीकेट पेपर बता के करके, डुप्लीकेट पेपर बता के करके हमारे को फ्रॉड काम करे हमारे साथ, 12,50,000 रुपये ले लिए। आप पैसे कैश में दिए? कैश में भी दिया मैं पैसे, इफ्तिखार को दिया जी, इफ्तिखार को कैश में पैसे दिया मैं, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा पूरा। किसके अकाउंट पे करे ऑनलाइन? ये पाशा के अकाउंट पे भी करा और मोहसिन उसका भाई, चचेरा भाई मोहसिन उसके अकाउंट पे भी करा। इफ्तिखार के अकाउंट पे नहीं करे? इफ्तिखार के अकाउंट पे भी करा मैं, उसके हाथ को भी कैश बताए, पुलिस स्टेशन में बताए, वो लोग इंक्वायरी कर लिए, बैंक स्टेटमेंट निकाल के सब दे दिया मैं जी, वो लोग एक्शन नहीं ले रहे कुछ भी हमारे से, उन लोगों से यही गुजारिश है हमारे को सुने ना, उन्हें ड्यूटी पे है, उन्हें पैसों का नाम लिए तो उनके ना घर वाले बात कर रहे ना, उनके कोई रिश्तेदार बात कर रहे हैं हमारे से, जो करना है कर लो बोल रहे हैं, कहाँ जाना है जाओ बोल रहे हैं, हमको जो करना है हम करेंगे बोल रहे हैं, बड़े बड़े लिंक्स लगा देंगे। FIR होने के बाद भी अभी ड्यूटी पे है? ड्यूटी पे है। अब ये FIR हो, ये FIR हुई देखिए 5 तारीख को हुई, ये महीने की 5 तारीख को FIR हमारे को कॉपी दिए लोग, FIR कॉपी हमारे को 5 तारीख के दिन दिए ये। कट कर दो मोबाइल में, और ये सोना रहन रखा के इनको अमाउंट दिया ये, ठीक है, ये सोना रखा के मैं इनको चले ना अमाउंट दिया ये इफ्तिखार को, ये इफ्तिखार मोहसिन दोनों भाई हैं, ये चिचेरे सगे चिचेरे भाई हैं, लोग मेरे साथ फ्रॉड करे चले। और रही और बात, बल्लागुड़े पे जब मैं गया था लिक्वी हिल्स में, ज़मीन मतलब कि मेरा कब्जा लेने के वास्ते, पेमेंट देने के वास्ते, दूसरे ने आ गए आके करके कंप्लेंट डाल दिए वहाँ पर, डालने के बाद मैं गया था वहाँ पर, जाने के बाद शाकिर साहब बुलाए मेरे को, फ़ोन करके बुलाने के बाद बोले कि सब पेपर डॉक्यूमेंट्स बेकार है, फेक है, ये चीटिंग करे तुम्हारे साथ बोल के वहाँ से मेरे को भेजा दिए, गाली गलौज करके मेरे साथ, गाली गलौज करके भेजा दिए मेरे को। तो इफ्तिखार के ऊपर कंप्लेंट नहीं लिए बल्लागुड़ा पीएस? नहीं नहीं लिए बल्लागुड़ा पीएस में। आप बोले ऐसा हमारे, आपके पीएस का होमगार्ड नहीं, मेरे को चांस ही नहीं दिए,
अपने शाकिर साहब मेरे को चांसी नहीं दिए, गाली गलौज करे मेरे साथ। और शाकिर साहब कौन है? ये सर्कल है, बल्लागुड़ी के सर्कल है ये। अच्छा, जो हाल ही में उनका सस्पेंड हुआ उनका, गाली गलौज करके मेरे को भिजा दिए। मैं भी आ गया वहाँ से, फिर मैं भड़ौंगा ने गया जाके बात करा। बात करने के बाद तो ना बोले कि देखो भाई हम यूएस के अंदर हमारे को नहीं मालूम, जो भी है बात करेंगे अपन। बोले एक महीने से मेरे को खाली बात करने में से ना कुछ रिस्पांस दे रहे मेरे को, ना कुछ पैसों की बात कर रहे हैं। आपको जो करना है कर लो बोल रहे हैं, उसके अलावा कुछ बात ही नहीं कर रहे। मेरे को मजबूरन ये इफ्तिखार आपके साथ इस कराए थी ने, और भी कोई है लोग? अब उसके और भी केस खुल गए हैं, इसके और उसके भाई के ऑलरेडी। इसके साथ कितना फ्रॉड करा क्या है सब भी इसका है वो मसला सुने। मेरा नाम सबा फातिमा है, और ये हम लोग एक प्लॉट लिए थे, वो जो है सो होमगार्ड है जो हम लोग को प्लॉट दिलाया, उसका नाम मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है और वो बल्लागुड़ा पीएस का होमगार्ड है। हम लोग को बहुत फ्रॉड करा है वो, हम लोग को पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके वो हम लोग से 12.5 लाख रुपए ले लिया। दो जने लिए हुए हैं पेमेंट, जमीन देते हुए पेमेंट लिए हमारे से। पेमेंट लेने के बाद जमीन दूसरे ने कब्जा कर लिए, जमीन दूसरे ने कब्जा कर लिए। कर लेने के बाद क्या करे वालों, पेमेंट दिया हमारा होता, पेमेंट दे दे रहे हमारे आजकल बोल के वो कर दिए। हम सीपी साहब पे ले गए थे, हम हजाराम को जी 200 का जमीन है, 200 का जमीन थी, सीपी साहब पे ले गए हम लोग। जाने के बाद कट कर, मेरी यही रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से कि ऐसे पुलिस वालों पे जल्द से जल्द इंक्वायरी करें करके, और इन लोगों की ड्यूटी को बर्खास्त करें। इन लोग गलत वर्दी का फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग इन पे भरोसा करे थे, भरोसा करके हम एक बच्चों के वास्ते कुछ होंगा, उन लोगों का फ्यूचर बोल के हम कुछ सोचे थे, मगर उन लोग मेरे बच्चों का पैसा खा गए। उन लोग खा लेने के बाद अब उन लोग ये वो बोल रहे हैं कि नहीं होता, पैसा निकालना है निकाल लो। उन लोग ड्यूटी का फ़ायदा उठा रहा वो, बस मेरे को बस एक मेरे को जस्टिस होना कमिश्नर साहब के, बस ऐसे लोगों से बस। वो कांस्टेबल वो होमगार्ड सस्पेंड नहीं हुए मैडम अभी? हो नहीं नहीं हुए, वो लोग ड्यूटी पे है आज मालूम आपको? जी हाँ, उन लोग ड्यूटी पे हैं जी। बस कमिश्नर साहब बस इंसाफ करे बस हम लोगों के साथ। जितना भी मैं परेशान हूँ, जितना भी मैं मुश्किल में हूँ, इन लोगों को नहीं दिखा रहा है, लोगों को मेरे पैसे रिकवर करा दीजिए साहब। मेरे 12.5 लाख रुपए है समझे, और मेरे बस इतना है आप लोगों की बस गुजारिश है मेरे को आप लोगों से, बस मेरा मेरे साथ इंसाफ करिए। मेरे बच्चों का फ्यूचर है, मेरे बच्चों का, मेरे दो बेटियां हैं मेरे को, उन लोगों के वास्ते लिया था मैं ज़मीन ये 200 गज 12.5 लाख रुपये दे दे के मैं मेरे बीवी का सोना रहन दाल के घर के हर चीज़ करके मैं वो करा सो। तो मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे पैसे रिकवर करा दीजिए, मेहरबानी होती आप लोगों की बस। जैसे हमारी ज़मीन भी गई, हमारा पैसा भी गया, हमारा सोना भी गया, हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ सोचे थे, उन लोगों का फ्यूचर भी खराब हो गया बस। और इसकी ड्यूटी का बस एक्शन लेना, ऐसे पुलिस वालों का बस एक्शन लेना, इंक्वायरी लेना, और इन लोगों को ऐसी ड्यूटी पे से हटा देना। इन लोगों का जैसा इन लोग हम लोगों के साथ करे बस, हमारे को इंसाफ होना ऐसे आदमियों से।